हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज़ियाराफ ऑनलाइन मेडिकल इंस्टीट्यूट। ये है लेक्चर नंबर 12 और अभी तक हमारा यह लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और हम लोग मिशन पे हैं नीट एम्स जिपमर के लिए जो कि 2020 में होने वाला है। और अगर आप न्यू हैं डायरेक्ट इसी लेक्चर को देख रहे हैं तो पहले लेक्चर नंबर वन से शुरू कीजिए, फिर इस वाले लेक्चर पर आइए, आप में आइए तो आपको सब कुछ समझ में आएगा अच्छा से। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो ठीक है फ्रेंड्स, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में बताइए, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, मैं अगर पूरा डिटेल में वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। लास्ट मैंने क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ाना, क्लोरोप्लास्ट का टॉपिक शुरू कर दिया था, तो आज हम लोग क्लोरोप्लास्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, फिर क्रोमोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे, मतलब जितने टाइप का प्लास्टिड होता है उसके बारे में पूरा कंप्लीट पढ़ लेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहले इस क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है कि दो मेम्ब्रेन देखने मिलते हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, क्या होता है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन देखने मिलती है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो स्पेस है, ये जो पूरा स्पेस है, जो पूरा स्पेस है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उस स्पेस को हम स्ट्रोमा कहते हैं। और इस स्पेस के अंदर क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर देखने मिलता है जिसको हम थाइलाकोइड कहते हैं। जैसे कि ये एक सिंगल क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, एक सिंगल की बात करें, पूरा इस पूरे की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक सिंगल की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक सिंगल को क्या बोलेंगे हम लोग, थाइलाकोइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? थाइलाकोइड बोलेंगे। और इस पूरे स्ट्रक्चर की बात करें, बहुत सारा क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर, बहुत सारा थाइलाकोइड एक ऊपर एक जुड़ा हुआ है और एक बिल्डिंग जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, उसको हम बोलेंगे ग्रेनम। क्या बोलेंगे? ग्रेनम। ठीक है, क्या बोलेंगे? ग्रेनम बोलेंगे। और दो ग्रेनम जो है, दो ग्रेनम का जो थाइलाकोइड है एक दूसरे से क्या हो रहा है कि कनेक्ट हो रहा है। देखिए कनेक्ट हो रहा है, जिस चीज़ की वजह से कनेक्ट हो रहा है वो है स्ट्रोमा लैमेली। क्या है वो? स्ट्रोमा लैमेली। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो स्पेस है उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा बोलेंगे। तो ये फिगर जो है एनसीईआरटी का है, ध्यान से देखिए इस फिगर को, अच्छा समझ लीजिए, यही फिगर जो है आपके एग्जाम में आएगा। फिर फिगर में देखते हैं, ये सब जो है अंदर स्पेस जो दिख रहा है, स्पेस क्या बोलेंगे? स्पेस जो है इसको बोलेंगे स्ट्रोमा। ठीक है, सिंगल क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम लोग? थाइलाकोइड। ये इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम लोग? ग्रेना। क्या बोलेंगे? ग्रेना बोलेंगे या ग्रेनम बोलेंगे? ग्रेना बोलते हैं। अब इस ये इसमें कितना है? इसमें चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, चार वैसा स्ट्रक्चर है, मतलब कि थाइलाकोइड जैसा स्ट्रक्चर मिल करके बिल्डिंग ब्लॉक बना रहा है। कितनी बिल्डिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है? चार। ठीक है, तो एक सिंगल बिल्डिंग अगर बात करें हम लोग तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिंगल बिल्डिंग की बात करें तो उसको हम लोग बोलेंगे ग्रेनम। क्या बोलेंगे? ग्रेनम। और सबको बात करें, सबको हम क्या बोलेंगे? प्लूरल टर्म में बोलेंगे हम लोग ग्रेना। क्या बोलेंगे? प्लूरल में बोलेंगे ग्रेना। ठीक है, तो अंदर में जो स्पेस दिखाई दे रहा है, ये स्पेस सब क्या है? इसको स्ट्रोमा बोलते हैं। और दो ग्रेनम का जो थाइलाकोइड है एक दूसरे से कनेक्टेड है, जिस चीज़ की मदद से कनेक्टेड है उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली। क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा लैमेली बोलेंगे। ठीक है, यह है आउटर मेम्ब्रेन, यह है इनर मेम्ब्रेन। आ रहा समझ में? तो अब थाइलाकोइड कैसा, अब बात करते हैं थाइलाकोइड जो है उसके अंदर कैसा स्ट्रक्चर देखने मिलता है। थाइलाकोइड असल में क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर है, थाइलाकोइड जो है क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर है। इस थाइलाकोइड को मैग्नीफाई करके हम लोग देखें तो अंदर में वो ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। जिसमें इस स्ट्रक्चर में क्या होगा, यहाँ यहाँ पे अंदर में क्या हो, ये छोटा छोटा गोल गोल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये सब स्ट्रक्चर जो है। तो ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर है इसको हम लोग कहते हैं क्वांटासोम। क्या बोलते हैं? क्वांटासोम बोलते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो होता है क्लोरोफिल कहाँ होता है? तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल जो है ग्रेना में होता है। कहाँ? ग्रेना में। ग्रेना में कहाँ? ग्रेना में छोटे छोटे स्ट्रक्चर देखने मिलते हैं, ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चर कहते हैं हम लोग क्वांटासोम। इन्हीं क्वांटासोम के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट देखने मिलता है।
ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट में कहाँ देखने मिलता है क्लोरोफिल पिगमेंट? क्लोरोप्लास्ट में थैलाकॉइड के अंदर, थैलाकॉइड में कहाँ? थैलाकॉइड में क्वांटाजोम में, ठीक है। बात करते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया द क्लोरोप्लास्ट आर ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड। तो माइटोकॉन्ड्रिया के तरह भी क्लोरोप्लास्ट भी जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन देखने मिलता है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में भी, जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में भी क्या हम लोग को देखने मिल रहा था, डबल मेम्ब्रेन देखने मिल रहा था। ऑफ द टू द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल, द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड द स्ट्रोमा। तो कह रहे हैं यहाँ पे, तो कह रहे हैं यहाँ पे कि इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट को जो अंदर वाला जो मेम्ब्रेन होता है वो लेस परमिएबल होता है, कम परमिएबल होता है, ठीक है। और जो स्पेस जो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जो स्पेस जो है इनर मेम्ब्रेन की वजह से बन रहा है, उस स्पेस को हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा। जैसा स्पेस मैंने अभी आपको दिखाया था वो है स्ट्रोमा। ए नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक कॉल्ड द थाइलाकॉइड्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा। तो कह रहा है यहाँ पे कि बहुत सारा जो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर जो है, क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर जो है, जो उसको हम लोग कहते हैं थाइलाकॉइड, जैसा मैंने आपको दिखाया था थाइलाकॉइड, ठीक है, जो कि कहाँ है, स्ट्रोमा में मौजूद है। मतलब कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो स्पेस है, ल्यूमेन जो है, स्पेस जो है उसके अंदर मौजूद होता है। थाइलाकॉइड आर अरेंज इन स्टैक्स लाइक पाइल्स ऑफ क्वाइन कॉल्ड ग्रेना। तो थाइलाकॉइड जो है, थाइलाकॉइड जो है वो क्या है कि इस तरह से अरेंज है, जैसे कि एक क्वाइन के ऊपर दूसरा क्वाइन रखा हुआ है, क्वाइन के ऊपर क्वाइन रखा हुआ है, इस तरह के स्ट्रक्चर में थाइलाकॉइड क्या हो रहा है, अरेंज हो रहा है, ठीक है। तो अरेंज होकर जो नया स्ट्रक्चर देखने मिल रहा है हम लोग को, उस तरह के उसको हम लोग कहते हैं ग्रेना कहते हैं। और एक सिर्फ ऐसा सिर्फ एक स्ट्रक्चर की बात करें हम लोग तो ग्रेना बोलेंगे सिमुलर टर्म में, और द इंटेग्रल थाइलाकॉइड्स, या उसको हम लोग इंटेग्रल थाइलाकॉइड भी कह सकते हैं ग्रेना को। तो यहाँ पे जो इंटेग्रल थाइलाकॉइड जो लिखा हुआ है, एनसीटी ने यहाँ पे रॉन्ग लिखा है, इंटेग्रल थाइलाकॉइड वहाँ पे इंटेग्रल थाइलाकॉइड को नहीं कहते हम लोग, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप अगर नीट माता है इंटेग्रल थाइलाकॉइड लिखा हुआ है ग्रेना की जगह पे, तो इंटेग्रल थाइलाकॉइड लगा सकते हैं आप, लेकिन एम्स मगर आया है तो वहाँ पे इंटेग्रल थाइलाकॉइड अगर लगाएंगे आप तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, तो एम्स में वैसा नहीं करना है या जिपर में। In addition, there are flat membranous tubules called stroma lamellae connecting the thylakoid of the different grana. तो कह रहा है कि अलग अलग ग्रैना का जो थाइलाकॉइड एक दूसरे से अटैच है, जैसा अभी मैंने दिखाया था, तो वो दोनों थाइलाकॉइड जो है एक दूसरे से अटैच है, जिस स्ट्रक्चर की मदद से अटैच है उस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा लैमिली। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लैमिली बोलते हैं। The membrane of thylakoids enclose a space called lumen. तो कह रहा है कि thylakoid जो है, thylakoid का स्ट्रक्चर है, तो thylakoid का स्ट्रक्चर है, उस thylakoid का स्ट्रक्चर में क्या होता है कि सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन हम लोग को देखने मिलती है। thylakoid जो मैंने आपको बना के दिखाया था, थाइलाकॉइड जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर है। थाइलाकॉइड में सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन ऊपर में देखने मिलती है, उसके अंदर यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि क्वांटाजोम है, जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, और ये जो स्पेस बीच में दिखाई दे रहा है ये स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं? ल्यूमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूमेन कहते हैं। ये गोल गोल स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, सर्कुलर स्ट्रक्चर, वो क्या है? क्वांटाजोम है। इसके अंदर ही क्लोरोफिल पिगमेंट देखने हम लोग को मिलता है। द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कॉन्टेन्स एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड द प्रोटीन्स। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो स्ट्रोमा जो है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो स्पेस, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो स्ट्रोमा है, तो उसके अंदर एंजाइम होते हैं, बहुत सारे एंजाइम, जो एंजाइम जो है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के साइंथेसिस के लिए जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को बनाने के लिए जरूरी है। इट ऑल्सो कॉन्टेन स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड राइबोसोम्स। तो कह रहा है कि स्ट्रोमा के अंदर जो है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो स्ट्रोमा, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो स्पेस है जिसको हम लोग स्ट्रोमा कह रहे हैं, उस स्पेस में क्या होता है कि हम लोग को सिंगल
स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए देखने मिलता है, क्या होता है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, तो उसमें क्या होता है हम लोग को कि डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए हम लोग को देखने मिलता है, ठीक है, और राइबोसोम भी हम लोग को देखने मिलता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, कहाँ, स्ट्रोमा में। क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द थायलाकोइड्स, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो थायलाकोइड में मौजूद होता है, और थायलाकोइड में कहाँ होता है, मैंने आपको बताया थायलाकोइड में क्वांटासोम में होता है क्लोरोफिल पिगमेंट। द राइबोसोम्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर 70S देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम 80S, तो क्लोरोप्लास्ट जो राइबोसोम होता है वो 70S राइबोसोम है, लेकिन साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम होता है वो 80S राइबोसोम होता है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अब इससे वाली जो लाइन आ रही थी, लाइन दिखाई दे रही थी आपको, वो एनसीईआरटी की लाइनें थी, अब हम लोग बाहर आते हैं एनसीईआरटी के थोड़ा। क्लोरोप्लास्ट ईच मेम्ब्रेन इज 50 एंगस्टर्म थिक, तो क्लोरोप्लास्ट में डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट, जिसमें से क्लोरोप्लास्ट का हर एक मेम्ब्रेन जो आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन दोनों मेम्ब्रेन हर एक मेम्ब्रेन जो है 50 एंगस्ट्रम थिक है। स्पेस बिटवीन द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द पेरिप्लास्टिडियल स्पेस विच इज 160 to 300 एंगस्ट्रम वाइड, तो कह रहा है कि स्पेस जो है, जगह जो है क्लोरोप्लास्ट को जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस देखने मिल रहा है उस स्पेस को हम लोग कहते हैं पेरिप्लास्टिडियल स्पेस कहते हैं, ठीक है। तो पेरिप्लास्टिडियल स्पेस का जो चौड़ाई जो है वो चौड़ाई जो है वो 160 एंगस्ट्रम से लेकर के 300 एंगस्ट्रम तक का हो सकता है। द बसल फ्लो क्लोरोप्लास्ट इज स्ट्रोमा, तो वही जो स्पेस है क्लोरोप्लास्ट का जिसमें फ्लूड बहुत सारे भरे हुए होते हैं उसी को स्ट्रोमा कहते हैं। असल में क्लोरोप्लास्ट का जो स्पेस है उसको स्ट्रोमा हम लोग कहते हैं, उसको स्ट्रोमा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसके अंदर जो असल में जो फ्लूड भरा हुआ है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उस फ्लूड के लिए हम लोग क्लोरो स्ट्रोमा वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये एम्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो बसल फ्लूड है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। मेंके प्रोपोजिटम थायलाकोइड, थायलाकोइड टर्म किसने दिया था, तो मेंके नाम के साइंटिस्ट ने थायलाकोइड टर्म प्रोड्यूस किया था। थायलाकोइड अरेंज वन अपॉन ईच अदर एंड फॉर्म पिलर ऑफ थायलाकोइड कॉल्ड ग्रेना, तो कह रहा है जैसे मैंने आपको बताया कि एक के ऊपर एक थायलाकोइड अरेंज जाते हैं एक पिलर के समान, एक बिल्डिंग के समान अरेंज हो जाते हैं, और जो स्ट्रक्चर फिर देखने मिलता है हम लोग को उस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं ग्रेना कहते हैं। 10 to 100 ग्रेना जो है मौजूद होते हैं एक क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। 10 to 100 ग्रेना मौजूद होते हैं क्लोरोप्लास्ट में। इन टू ग्रेनम आर कनेक्टेड बाई स्पेशल थायलाकोइड विच आर नोन एज इंटेग्रल लैमेली, या कह सकते हैं स्ट्रोमा लैमेली, या फ्रेट्स चैनल, या कह सकते हैं स्ट्रोमा थायलाकोइड। असल में दो ग्रेनम को जो कनेक्ट कर रहा था, दो ग्रेना का जो थायलाकोइड है, ठीक है, दो ग्रेना का जो थायलाकोइड है उन दोनों ग्रेना का थायलाकोइड एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा था, तो जिससे वो कनेक्ट हो रहा है वो भी एक तरह का थायलाकोइड ही है। तो स्ट्रोमा लैमेली जो मैंने आपको बताया वो स्ट्रोमा लैमेली असल में एक तरह का थायलाकोइड स्पेशल टाइप का थायलाकोइड है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटेग्रल लैमेली भी कह सकते हैं, या उसको हम लोग स्ट्रोमा लैमेली कह सकते हैं, या उसको हम लोग फ्रेट्स चैनल कह सकते हैं, या उसको हम लोग स्ट्रोमा थायलाकोइड भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं, इन 1964 पार्क एंड बिगिंस आइसोलेटेड क्वांटासोम फ्रॉम थायलाकोइड, तो 1964 में पार्क नाम के साइंटिस्ट ने और बिगिंस नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया कि क्वांटासोम को आइसोलेट किया, निकाला थायलाकोइड से, कहां से, थायलाकोइड से। तो क्वांटासोम जो यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस अगर क्वेश्चन आ रहा एग्जाम में तो क्या हम लोग टिक लगाएंगे, हम लगाएंगे क्वांटासोम। तो क्वांटासोम जो है वो यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। इनसाइड ईच क्वांटासोम 200 to 250 क्लोरोफिल पिगमेंट फाउंड, हर एक क्वांटासोम के अंदर 200 to 250 क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं, याद रखिएगा हर एक क्वांटासोम के अंदर 200 से लेकर के 250 क्लोरोफिल पिगमेंट देखने मिलते हैं।
इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट सर्कुलर डीएनए आर प्रेजेंट कॉल्ड एज द क्लोरोप्लास्टिडियल डीएनए या सीपी डीएनए। तो जैसे मैंने आपको बताया क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा है उसके अंदर सर्कुलर डीएनए देखने मिलता है और उस सर्कुलर डीएनए को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्टिडियल डीएनए डीएनए कहते हैं, या उसके लिए हम लोग सीपी डीएनए भी कह सकते हैं। उसको क्या कहते कह सकते हैं, सीपी डीएनए। सीपी डीएनए डिस्कवर्ड बाई रिस एंड प्लॉट। तो इस क्लोरोप्लास्टिडियल डीएनए को, सीपी डीएनए को डिस्कवर किया था रिस नाम के साइंटिस्ट ने और प्लॉट नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, ठीक है। इन स्ट्रोमा द मेन एंजाइम, स्ट्रोमा के अंदर जो मेन एंजाइम है वो क्या है, स्ट्रोमा के अंदर जो मेन एंजाइम होता है वो होता है राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, या उसको हम रूबिस्को कहते हैं, ठीक है। तो स्ट्रोमा के अंदर जो मेन एंजाइम होता है वो है रूबिस्को, जो कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑफ द अर्थ। तो अर्थ पे सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन है, रूबिस्को है। क्या, रूबिस्को, राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। और फोटोसिंथेसिस का मेन एंजाइम जो है रूबिस्को ही है। रूबिस्को एंजाइम जो है, रूबिस्को प्रोटीन जो है, जो कि एक एंजाइम की तरह काम करता है, तो फोटोसिंथेसिस का मेन एंजाइम जो है वो रूबिस्को ही है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग केमिकली क्लोरोप्लास्ट इज कंपोज्ड ऑफ। तो क्लोरोप्लास्ट जो है केमिकली किस चीजों से बना होता है, किन किन चीजों से बना होता है, और वो चीज कितना परसेंट में होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उनकी बात करते हैं हम लोग। तो 35-55% प्रोटीन होता है क्लोरोप्लास्ट में, 20-30% 20-30% लिपिड होता है, 9% कार्बोहाइड्रेट देखने मिलता है, फिर 9% क्लोरोफिल देखने मिलता है, 3-4% न्यूक्लिक एसिड देखने मिलता है, और 4-5% कैरोटेनॉइड देखने मिलता है, 4-5% कैरोटेनॉइड देखने हम लोग को मिलता है। फिर बात करते हैं हम लोग, कुछ इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं। Etiolation क्या होता है, इन एंजियोस्पर्म द क्लोरोफिल कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन डार्कनेस बिकॉज दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द फाइनल रिडक्शन ऑफ द क्लोरोफिल। Etiolation होता क्या है, तो कह रहा है कि एंजियोस्पर्म प्लांट को क्या क्या आता है, जब डार्कनेस से उगाया जाता है, मतलब कि लाइट के एब्सेंस में उगाया जाता है, अंधेरे जगह पे, छांव वाले जगह पे, अंधेरे वाले जगह पे जब एंजियोस्पर्म प्लांट को उगाया जाता है, तो क्या होता है कि उस प्लांट में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं होता, क्योंकि लाइट उस प्लांट को नहीं मिली। तो इसी को हम लोग कहते हैं Etiolation, क्या कहते हैं, Etiolation। मोस्ट कॉमन क्लोरोफिल प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल ए। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर सबसे कॉमन क्लोरोफिल जो देखने मिलता है, क्लोरोफिल पिगमेंट जो देखने मिलता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, वो मोस्ट कॉमन क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो है क्लोरोफिल ए, ठीक है। टर्म क्लोरोफिल, क्लोरोफिल टर्म किसने दिया, तो पेलेटियर एंड कैवेंटन, पेलेटियर और कैवेंटन नाम के साइंटिस्ट ने क्लोरोफिल टर्म दिया। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर किसने बताया, क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर के बारे में अच्छा से डिटेल बताया, विल्स्टेटर और स्टॉल ने, किसने, विल्स्टेटर और स्टॉल ने बताया, ठीक है। तो बोर मत होइएगा, दिल लगा के एकदम पढ़िए, बोर मत होइए। अगर बोर हो रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, जाइए कोई भी कॉमेडी वीडियो देखिए, थोड़ा 5-10 मिनट देखा और फिर वापस आके लेक्चर कंटिन्यू कीजिए, हौसला नहीं खोना है। क्लोरोफिल ए इज टू क्लोरोफिल बी, तो रेशियो जो है क्लोरोफिल ए इज टू क्लोरोफिल बी का जो रेशियो है वो है 3:1, ठीक है। क्लोरोफिल ए इज टू क्लोरोफिल बी का जो रेशियो है वो क्या है, 3:1 है। टर्म ग्रेना, ग्रेना टर्म किसने दिया, मेयर नाम के साइंटिस्ट ने ग्रेना टर्म प्रोड्यूस किया दिया, ठीक है। इन अलगी एक ग्रेना क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड, मीन्स थैलाकोइड आर फाउंड बट आर नॉट अरेंज इन द फॉर्म ऑफ ग्रेनम। कह रहा है कि अलगी में जो क्लोरोप्लास्ट देखने मिलता है, अलगी में जो क्लोरोप्लास्ट देखने मिलता है वो क्लोरोप्लास्ट जो होता है एक ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होता है। तो एक ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, अलगी में जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो एक ग्रेनल इससे होता है, मतलब कि उस क्लोरोप्लास्ट में, अलगी क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकोइड जो होता है वो ग्रेना के फॉर्म में अरेंज नहीं है। थाइलाकोइड क्या है, ग्रेना के फॉर्म में अरेंज नहीं होता है, समझ रहे हैं, इसलिए अलगी का जो थाइलाकोइड है वो एक ग्रेनल है। फिर बात करते हैं हम लोग प्लास्टोग्लोबुलाई। तो प्लास्टोग्लोबुलाई क्या है,
तो स्ट्रोमा में लिपिड का ड्रॉपलेट देखने मिलता है, लिपिड का ड्रॉपलेट देखने मिला है स्ट्रोमा में। उस ड्रॉपलेट जो लिपिड के ड्रॉपलेट को हम लोग कहते हैं प्लास्टोग्लोब्यूलाई। क्या कहते हैं? प्लास्टोग्लोब्यूलाई कहते हैं। पाइरेनोइड्स, दे आर एसोसिएटेड विथ क्लोरोप्लास्ट, दे आर प्रोटीन कोर हैविंग स्टार शेप, इट इज फाउंड इन अलगी। तो पाइरेनोइड्स क्या होता है? तो पाइरेनोइड ऐसा स्ट्रक्चर है, असल में पाइरेनोइड जो है वो प्रोटीन का प्रोटीन कोर है। क्या है वो? प्रोटीन कोर है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि स्टार्च शीट, स्टार्च की शीट, स्टार्च की चादर देखने मिलती है, शीट देखने मिलती है। और ये पाइरेनोइड जो है क्या है कि क्लोरोप्लास्ट से एसोसिएटेड है, क्लोरोप्लास्ट से, क्लोरोप्लास्ट में देखने मिलता है, क्लोरोप्लास्ट से जुड़ा होता है। और पाइरेनोइड जो है सिर्फ और सिर्फ अलगी में देखने मिलता है। कहाँ देखने मिलता है? अलगी में देखने मिलता है। तो पाइरेनोइड्स क्या है? प्रोटीन कोर, प्रोटीन का कोर है, ठीक है, जिसमें स्टार्च शीट देखने मिलती है। इन सीपीडीएनए, मतलब कि क्लोरोप्लास्टिडियल डीएनए, सीपीडीएनए क्या कह सकते हैं, क्लोरोप्लास्टिडियल डीएनए जो है, लेंथ की बात करें इसकी, इसका लेंथ जो होता है 45 माइक्रोमीटर का होता है, लेकिन क्लोरोप्लास्टिडियल डीएनए में 135,000 बेस पेयर देखने मिलते हैं। और मैंने उनको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में कितने बेस पेयर देखने मिलते हैं? 16,569 या इसी के आसपास था कुछ, 16,596 या 69 था। प्लास्टोराइबोसोम फाउंड इन प्लास्टिड। तो राइबोसोम जो है प्लास्टिड के अंदर देखने मिला, जो राइबोसोम प्लास्टिड में देखने मिलता है उस राइबोसोम को हम लोग कहते हैं प्लास्टोराइबोसोम, जो कि 70S देखने मिलता है। तो प्लास्टिड क्या है? क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड है, क्रोमोप्लास्ट भी प्लास्टिड है, ठीक है, और ल्यूकोप्लास्ट भी प्लास्टिड है। तो ये सब मैं आपको बता चुका हूँ पहले वाले लेक्चर में। इन क्वांटासोम 160 क्लोरोफिल ए प्लस 70 क्लोरोफिल बी, टोटल 230 क्लोरोफिल। तो क्वांटासोम के अंदर 160 क्लोरोफिल ए का पिगमेंट होता है और 70 क्लोरोफिल बी का पिगमेंट होता है, और टोटल अगर बोले तो क्वांटासोम के अंदर 230 क्लोरोफिल पिगमेंट देखने मिलता है। कितना? 230 क्लोरोफिल का पिगमेंट देखने मिलता है। क्लोरोप्लास्टिडियल डीएनए, मतलब सीपीडीएनए, नॉट हैविंग द इंफॉर्मेशन फॉर द साइंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। तो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात आ रही है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो डीएनए है, सीपीडीएनए जो है, सीपीडीएनए में क्या होता है कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती क्लोरोफिल बनाने की। क्या होता है? क्लोरोफिल बनाने की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती सीपीडीएनए में, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो डीएनए है उसमें, ठीक है। तो अब बात करते हैं थोड़ा हम लोग क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन के बारे में। क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है? द मेन फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज फोटोसिंथेसिस, इट इज टू स्टेप प्रोसेस। क्लोरोप्लास्ट का जो मेन फंक्शन है वो मेन फंक्शन है फोटोसिंथेसिस करना। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो टू स्टेप प्रोसेस है, दो स्टेप वाला प्रोसेस है, जिसमें एक स्टेप जो होता है वो होता है लाइट रिएक्शन, और एक स्टेप जो होता है वो होता है डार्क रिएक्शन, ठीक है। तो डार्क रिएक्शन क्या होता है, लाइट रिएक्शन क्या होता है, थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। द सोलर एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय द क्लोरोफिल एंड कन्वर्ट इट इंटू एटीपी। दी रिएक्शन अकर इन ग्रेना फोटोफॉस्फोराइलेशन। कह रहे हैं लाइट रिएक्शन में क्या होता है कि क्लोरोफिल पिगमेंट जो है, क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करता है, सोलर एनर्जी को, मतलब कि धूप से जो रोशनी आ रही है उसमें जो एनर्जी है सोलर एनर्जी, उस एनर्जी को, सोलर एनर्जी को क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करता है, ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है, और उसको क्या करता है कि कन्वर्ट कर देता है एटीपी में। किसमें? एटीपी में। और एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल या एनर्जी करेंसी ऑफ बॉडी। तो ठीक है, तो उस तो एटीपी में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो रिएक्शन है लाइट रिएक्शन, ये कहाँ हो रहा है? ग्रेना के अंदर हो रहा है। कहाँ हो रहा है? ग्रेना में हो रहा है। और इस रिएक्शन को हम लोग कह सकते हैं हम लोग फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। क्या कह सकते हैं? फोटोफॉस्फोराइलेशन। फिर बात करते हैं डार्क रिएक्शन के बारे में। द एंजाइम रूबिस्को कन्वर्ट्स द कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट। डार्क रिएक्शन ऑपरेट्स इन द स्टोमा। फिर क्या होता है कि लाइट रिएक्शन वजह से जो एटीपी मिल रहा है उस एटीपी को इस्तेमाल करके
डार्क रिएक्शन एक होता है, मतलब कि अंधेरा में बिना रोशनी के, मतलब कि लाइट के एब्सेंस में रिएक्शन होता है डार्क रिएक्शन। तो लाइट के एब्सेंस में डार्क रिएक्शन होता है, तो कोई भी रिएक्शन होने के लिए एनर्जी चाहिए होता है। तो डार्क रिएक्शन अंधेरे में हो रहा है, लाइट है नहीं, तो डार्क रिएक्शन की एनर्जी लाइट से मिलेगा नहीं। तो जब लाइट रिएक्शन हो रहा था उस एटीपी फॉर्म होकर स्टोर हो गया था, तो डार्क रिएक्शन जब होगा तो डार्क रिएक्शन क्या करेगा, उसी एटीपी को इस्तेमाल करेगा, ठीक है, और क्या करेगा कि रूबिस्को एंजाइम की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 जो है उसको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और डार्क रिएक्शन जो होता है वो स्ट्रोमा के अंदर होता है, स्ट्रोमा में, ग्रेना में नहीं होता, स्ट्रोमा में होता है। फोटोसिंथेसिस इज ए रिडॉक्स प्रोसेस, वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन इज रिड्यूस्ड। तो फोटोसिंथेसिस जो है क्या है, फोटोसिंथेसिस जो है एक रिडॉक्स प्रोसेस है, मतलब कि ऐसा प्रोसेस, ऐसा रिएक्शन फोटोसिंथेसिस जिसमें रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है। तो वाटर का ऑक्सीडेशन होता है, वाटर ऑक्सीडाइज हो जाता है, और कार्बन जो है, कार्बन उसका रिडक्शन होता है, कार्बन जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो जो रिएक्शन है उसको रिएक्शन थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग, फोटोसिंथेसिस में रिएक्शन कैसे होती है। तो 6 मोलिक्यूल ऑफ CO2, CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का 6 मोलिक्यूल और वाटर का 6 मोलिक्यूल दोनों रिएक्ट करता है एक दूसरे के साथ। तो क्या होता है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है, C6H12O6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है, और 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन निकल जाता है। क्या होता है, ऑक्सीजन का 6 मॉलिक्यूल रिलीज होता है, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे देख रहे हैं वाटर जो है उसका क्या हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, 6H2O से 6O2 बन गया। वाटर क्या हो रहा है, वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, वाटर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, 6H2O 6O2 बन गया। मतलब कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे समझते हैं, हाइड्रोजन क्या हो रहा है अगर किसी मॉलिक्यूल से निकल के बाहर जा रहा है तो समझ लीजिए क्यों उस मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो रहा, क्योंकि उसमें से हाइड्रोजन निकल के बाहर जा रहा। अगर किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है उसको बोलेंगे हम लोग रिडक्शन। यहाँ पे देखिए वाटर क्या हो रहा है, 6H2O से 6O2 में कन्वर्ट हो रहा, मतलब वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा। वाटर में से क्या हुआ, पहले वाटर के पास हाइड्रोजन था लेकिन उसमें से हाइड्रोजन निकल गया और सिर्फ बचा ऑक्सीजन। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रिडक्शन हो रहा, पहले 6CO2 था लेकिन अब क्या हुआ बाद में C6H12O6 हो गया, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हुआ, हाइड्रोजन आगे जोड़ गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन देखने मिल रहा है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यही हो रहा, सोलर एनर्जी के मदद से ये रिएक्शन हो रहा है, सोलर एनर्जी की मदद से। फिर देखिए यहाँ पर फोटोसिंथेसिस इज ए एनाबोलिक एंडोथर्मिक एंड रिडक्टिव प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस जो है एनाबोलिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है और रिडक्टिव रिएक्शन है। मतलब कि फोटोसिंथेसिस जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब फोटोसिंथेसिस वाला रिएक्शन क्या करता है, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट को रिलीज नहीं कर रहा, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, तब जाकर रिएक्शन हो रहा है। फिर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में क्या हो रहा है, एनाबोलिक रिएक्शन है। तो आपको, आप जानते होंगे कैटाबोलिक रिएक्शन क्या होता है, एनाबोलिक रिएक्शन क्या होता है, अगर नहीं पता मैं बता देता हूँ। कैटाबोलिक रिएक्शन मतलब कि कोई बड़ा सा मॉलिक्यूल टूट के बिखर जाना छोटे छोटे पार्टिकल में, तो एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, तो कैटाबोलिक रिएक्शन हुआ। और अगर छोटा छोटा पार्टिकल, छोटा छोटा मॉलिक्यूल बहुत सारा मिल करके एक बड़ा सा मॉलिक्यूल तैयार कर रहा है उसको बोलेंगे हम लोग एनाबोलिक रिएक्शन। तो बड़ा सा मॉलिक्यूल तैयार करने में क्या हो रहा है कि एनर्जी खर्च हो रही है, तो एनाबोलिक रिएक्शन में क्या हो रहा है, एनर्जी खर्च हो रही है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, एनाबोलिक रिएक्शन हो रहा, एनर्जी खर्च हो रही, कौन सी एनर्जी, सोलर एनर्जी खर्च हो रही, और बस जो मॉलिक्यूल बन रहा है वो मॉलिक्यूल क्या है, फूड है, फूड। और फोटोसिंथेसिस रिडक्टिव प्रोसेस क्या है, फोटोसिंथेसिस जो है रिडक्टिव प्रोसेस है, और फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन PR इज 700 to 700 नैनोमीटर। तो जो रेडिएशन जो है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव है, मतलब कि जिस लाइट का रेडिएशन जो है, लाइट का रेडिएशन जिसका रेंज जो है 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर तक के रेंज में है, उसी लाइट को क्या करता है कि फोटोसिंथेसिस में वही लाइट काम आता है, क्या होता है, वाइल्ड लाइफ फोटोसिंथेसिस में काम आता है।
तो उस टाइप को कहते हैं फोटो लाइट को कहते हैं, उस रेडिएशन वाली लाइट को कहते हैं हम लोग फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कहते हैं, पीआर कहते हैं। तो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन क्या है, 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर। तो थोड़ा रिएक्शन को समझते हैं यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को। देखिए क्या हो रहा है, लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है कि सूरज से रोशनी आई, क्या हुआ, सूरज से रोशनी आई, रोशनी सूरज से रोशनी आ रही, धूप आ रहा, तो उसमें क्या रहा, सोलर एनर्जी आ रही, तो सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करके लाइट रिएक्शन हुआ। जैसे लाइट रिएक्शन होगा तो वाटर मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे लाइट रिएक्शन होगा, वाटर मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा ऑक्सीजन में, तो ATP रिलीज होगा और NADPH रिलीज होगा। क्या होगा, ATP रिलीज होगा और NADPH रिलीज होगा। डार्क केस में क्या होगा कि ATP और NADPH का इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है, ATP और NADPH का इस्तेमाल होगा डार्क रिएक्शन में। और फिर क्या होगा कि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, क्या होगा, फिर कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होगा। कैसे कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होगा, जैसे मैं आपको बताया रूबिस्को एंजाइम की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। डार्क रिएक्शन लाइट के एब्सेंस में होता है, डार्क रिएक्शन लाइट के एब्सेंस में होता है। फिर बात करते हैं रूबिस्को और RUBP कार्बोक्सिलेज इम्प्लांट इज अ कॉम्प्लेक्स एलेट एसेट इन विच, तो कह रहा है रूबिस्को जो है, या उसके लिए हम RUBP कार्बोक्सिलेज भी कह सकते हैं हम उसको, रूबिस्को को। तो रूबिस्को जो है प्लांट में एक कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में है, इसका फॉर्मूला है L8 एसेट, ठीक है, L8 एसेट है, जिसमें 8 सब यूनिट जो है वो लार्ज सब यूनिट है, 8 सब यूनिट जो है कैटाबोलिक सब यूनिट है, लार्ज सब यूनिट है, ठीक है, और 8 सब यूनिट जो है वो स्मॉल है। जैसे यहाँ पर L8 जो लिखा हुआ है स्मॉल सब यूनिट के लिए है, 8 जो 8 स्मॉल सब यूनिट है, और एसेट जो है इस 8 स्मॉल सब यूनिट है, ठीक है, और एलेट लार्ज 8 लार्ज सब यूनिट है, और एसेट जो है 8 स्मॉल सब यूनिट है, जिसमें से 8 तो जो लार्ज सब यूनिट है वो क्या होता है कि CpDNA के जरिए कोड होता है, किसके, क्लोरोप्लास्टिडियल DNA क्या करता है, कोड करता है 8 तो जो लार्ज सब यूनिट है उसको, और न्यूक्लियर DNA जो है 8 स्मॉल यूनिट सब यूनिट को कोड करता है, न्यूक्लियर DNA 8 स्मॉल सब यूनिट को कोड करता है। क्लोरोप्लास्ट इन्वॉल्व्स इन, क्लोरोप्लास्ट किस किस चीज़ों में इन्वॉल्व उसकी बात करते हैं हम लोग। तो क्लोरोप्लास्ट जो है ATP के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, क्लोरोप्लास्ट ATP का फॉर्मेशन करता है फॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस से, किसके, फॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस से। फिर क्लोरोप्लास्ट जो है फूड को स्टोर करके रखता है स्टार्च ग्रेन्यूल के फॉर्म में, किसके, स्टार्च ग्रेन्यूल के फॉर्म में। और क्लोरोप्लास्ट जो है फोटो रेस्पायरेशन करता है C3 प्लांट में, ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट मदद से फोटो रेस्पायरेशन हो पाता है C3 प्लांट में। तो C3 प्लांट क्या है वो आपको मैं बताऊंगा रेस्पायरेशन वाले चैप्टर में, बस यहाँ पे याद रखिए C3 प्लांट में क्लोरोप्लास्ट फोटो रेस्पायरेशन के प्रोसेस करता है। फिर बात करते हैं हम लोग क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो नोन एज किचन ऑफ सेल और आउटोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट को हम लोग किचन ऑफ सेल भी कह सकते हैं, या क्लोरोप्लास्ट को हम लोग आउटोप्लास्ट भी कहते हैं। थाइलाकोइड थर्ड मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ रहा है कि थाइलाकोइड जो है वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट का थर्ड मेम्ब्रेन है। मतलब कि थर्ड मेम्ब्रेन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में दो मेम्ब्रेन देखने मिलती है, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक और स्ट्रक्चर देखने मिलता है थाइलाकोइड, जिसके पास भी एक मेम्ब्रेन होता है। तो थाइलाकोइड के मेम्ब्रेन को हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं थर्ड मेम्ब्रेन कह रहे हैं, ठीक है। थाइलाकोइड के अलावा और भी कोई और कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं देखने मिलता क्लोरोप्लास्ट में जिसके पास मेम्ब्रेन हो, ठीक है। तो थाइलाकोइड को हम लोग कह सकते हैं थाइलाकोइड जो है थर्ड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। फिर बात करते हैं हम लोग क्रोमोप्लास्ट के बारे में, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव। क्रोमोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव है, मतलब क्लोरोप्लास्ट जो है फोटोसिंथेसिस करता है फायोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का टाइप होता है फायोप्लास्ट, रोडोप्लास्ट और क्रोमेटोफोर्स। तो फायोप्लास्ट जो है ऐसा क्लोरोप्लास्ट है जो कि ब्राउन अलगी में देखने मिलता है, और ये क्लोरोप्लास्ट जो है ब्राउन पिगमेंट रखता है। क्या होता है पिगमेंट,
ब्राउन पिगमेंट रखता है फायोप्लास्ट, और इसका जो ब्राउन पिगमेंट है वो है फ्यूकोजैंथिन। फिर आता है रोडोप्लास्ट। रोडोप्लास्ट ऐसा क्लोरोप्लास्ट है जो कि रेड अलगी में देखने मिलता है, रेड पिगमेंट होता है इसमें, और वो रेड पिगमेंट जो है फाइको एरिथ्रिन है। क्या? फाइको एरिथ्रिन। फिर बात करते हैं क्रोमेटोफोर्स। फिर क्रोमेटोफोर्स जो है वो बैक्टीरिया में देखने मिलता है। क्रोमेटोफोर्स कहाँ देखने मिलता है? बैक्टीरिया में देखने मिलता है। फिर बात करते हैं हम लोग ल्यूकोप्लास्ट। मोस्टली फाउंड इन दोज प्लांट पार्ट्स विच आर नॉट एक्सपोज टू लाइट, लार्जेस्ट प्लास्टिड। ल्यूकोप्लास्ट के बारे में मैंने आपको पहले लेक्चर में बता दिया था, और आगे बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट में थोड़ा, कि ल्यूकोप्लास्ट जो है प्लांट के उस पार्ट में पाया जाता है ल्यूकोप्लास्ट, जिस पार्ट पे लाइट की रोशनी नहीं पड़ी, सूरज की रोशनी जो है वो नहीं पड़ी, सूरज रोशनी नहीं पड़ी, तो उस जगह पे क्या होगा? ल्यूकोप्लास्ट पाया जाएगा। और ल्यूकोप्लास्ट जो है सबसे लार्जेस्ट प्लास्टिड है। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट तीनों में से सबसे लार्जेस्ट प्लास्टिड जो है वो है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, अब बात करते हैं अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट जो है लार्जेस्ट ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट के टाइप मैंने आपको बताया था पिछले वाले लेक्चर में, ल्यूकोप्लास्ट का भी तीन टाइप होता है, वो होता है अमाइलोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। तो इन तीनों ल्यूकोप्लास्ट में से भी सबसे लार्जेस्ट ल्यूकोप्लास्ट जो है वो होता है अमाइलोप्लास्ट। ठीक है, उसका एग्जांपल है पोटैटो, बनाना और सीरियल्स। फिर बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट के बारे में। क्रोमोप्लास्ट जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्लास्टिड है। सेकेंड लार्जेस्ट प्लास्टिड जो है वो है क्रोमोप्लास्ट। रेड पिगमेंट ऑफ टोमेटो, तो टोमेटो जो होता है वो रेड होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर रेड पिगमेंट पाया जाता है, तो वो रेड पिगमेंट जो है वो है लाइकोपीन। क्या वो रेड पिगमेंट? लाइकोपीन है। फिर बात करते हैं हम लोग ब्राइट कलर ऑफ फ्लावर। ब्राइट कलर ऑफ फ्लावर की बात करें तो फ्लावर जो है वो बहुत ब्राइट दिखता है, तो फ्लावर का ब्राइट कलर का रीज़न ये है कि फ्लावर में क्रोमोप्लास्ट पिगमेंट देखने मिलता है। कौन सा पिगमेंट? क्रोमोप्लास्ट पिगमेंट। क्लोरोफिल एंड कैरेटोनॉइड्स आर फैट सोल्यूबल। फिर बात की कर रहे हैं यहाँ पे क्लोरोफिल और कैरेटोनॉइड्स। क्लोरोफिल और कैरेटोनॉइड दोनों ऐसा पिगमेंट है जो कि फैट सोल्यूबल है। क्या? फैट सोल्यूबल पिगमेंट है। कैरोटीन, तो कैरोटीन जो है C40H56। कैरोटीन का कौन सा कैरोटीन? C40H56 कैरोटीन जो है वो ऑरेंज कलर का होता है। और जैंथोफिल की बात करें C14H56O2, ये जैंथोफिल जो है येलो कलर का देखने मिलता है। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। अब बात करते हैं थोड़ा हम लोग इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में, थोड़ा डिटेल में हम लोग समझ लेते हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। व्हाइल ईच ऑफ द मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स इज डिस्टिंक्ट इन टर्म ऑफ इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मैनी ऑफ दिस आर कंसिडर्ड टूगेदर एज ए इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बिकॉज देयर फंक्शन आर कोऑर्डिनेटेड। तो कह रहे हैं कि सेल ऑर्गेनेल जो है, सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स पाई जा रही है वो ऑर्गेनेल जो है, हर ऑर्गेनेल जो है स्ट्रक्चर में अलग है, फंक्शन में अलग है। ठीक है, लेकिन इसमें से बहुत सी सेल ऑर्गेनेल, कुछ सेल ऑर्गेनेल ऐसी है जिनका फंक्शन जो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट वे में काम करता है। क्या होता है? जिनका फंक्शन एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट वे में काम करता है। ठीक है, तो ये फंक्शन जो है, जो तो कह रहा है कि ये सब ऑर्गेनेल जो है जो कोऑर्डिनेट वे में काम करती है उसको ऑर्गेनेल को टुगेदर हम लोग बोलते हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। क्या बोलते हैं? इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। तो जो ऑर्गेनेल जो है एक कोऑर्डिनेट वे में काम करती है, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम फॉर्म करती है, वो ऑर्गेनेल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। फिर बात करते हैं सीएनज फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड द पेरोक्सिस्टम आर नॉट कोऑर्डिनेटेड विद द अबव कंपोनेंट, दिस आर नॉट कंसीडर्ड एज द पार्ट ऑफ द इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिस्टम का जो फंक्शन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोम और वैक्यूल्स, इन तीनों सेल ऑर्गेनेल के साथ कोऑर्डिनेट वे में काम नहीं करता है, इसलिए
ये जो है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कोऑर्डिनेट वे में कैसे काम करता है, ये मैं आपको बताऊंगा अभी। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में पहला आता है, बात कर लेते हैं हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो फर्स्ट है ऑब्जर्व बाय गार्नियर, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पहली बार ऑब्जर्व किया था गार्नियर ने, और गार्नियर ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए जो टर्म दिया था वो था एर्गास्टोप्लाज्म। कौन सा टर्म दिया? एर्गास्टोप्लाज्म टर्म दिया था। द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो गया पॉर्टर को। किसको गया? पॉर्टर नाम के साइंटिस्ट को गया। टर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रपोज बाय पॉर्टर, और फाइनली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टर्म जो है उसको किसने प्रपोज किया? पॉर्टर नाम के साइंटिस्ट ने ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टर्म दिया था। द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब्ड बाय पॉर्टर एंड क्लाउडे एंड फुलमैन। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो माइक्रोस्कोप लेवल पे स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पिक लेवल पे जो स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो स्ट्रक्चर के बारे में फर्स्ट टाइम किसने डिस्क्राइब किया, पहली बार बताया इस स्ट्रक्चर के बारे में? पॉर्टर ने, क्लाउडे ने और फुलमैन ने। ठीक है, तो देखिए ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिखाई दे रहा होगा आपको बैकग्राउंड में। तो ये एनसीईआरटी का फिगर है, ध्यान से देख लीजिए, और यही फिगर एग्जाम में आएगा। देखिए तो इसमें देख ले रहे हैं, देखने मिल रहा है हम लोग को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वाला जो हिस्सा है ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये जो बीच गोल वाला हिस्सा है ये न्यूक्लियस है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है न्यूक्लियस के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो पार्ट देखने मिलते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने मिलता है, और एक हम लोग को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने मिलता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ क्यों होता है, मैं आपको आगे बताता हूँ। और ये छोटा छोटा राइबोसोम आपको दिखाई दे रहा है, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर जो राइबोसोम है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है रफ इसलिए होता है क्योंकि उस पर राइबोसोम देखने मिलते हैं, लेकिन ये जो इतना दूर का एरिया देखिए, ये जो एरिया है यहाँ पे कोई भी राइबोसोम देखने नहीं मिल रहे, इसलिए ये वाला जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स रिवील्स द प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म दैट इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी की गई यूकैरियोटिक सेल की, तो उसमें क्या हुआ कि जाल जैसा, नेट जैसा जाल के समान स्ट्रक्चर दिखाई दिया। ठीक है, जाल जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया, ठीक है, जो कि क्या है कि साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है, क्या, जो कि साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है। तो स्ट्रक्चर को हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है डिवाइड द इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स, दैट इज ल्यूमिनल इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट। तो कह रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है सेल के अंदर का जो कंपार्टमेंट है उसको दो कंपार्टमेंट डिवाइड करता है। एक कंपार्टमेंट वो है जो कंपार्टमेंट जो है, जो स्पेस जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर है, और एक स्पेस जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर है। तो वो स्पेस, वो कंपार्टमेंट जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर है, उस कंपार्टमेंट को, उस स्पेस को हम लोग कहते हैं ल्यूमिनल कहते हैं, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर है। और जो कंपार्टमेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर, उस कंपार्टमेंट को हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट कहते हैं, या उसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। समझ रहे, साइटोप्लाज्म तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। फिर बात करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफन शोज राइबोसोम्स अटैच्ड टू देयर आउटर सरफेस। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियरिंग राइबोसोम्स ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कह रहा है यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसके आउटर सरफेस में क्या होता है कि हम लोग को देखने मिलता है राइबोसोम। क्या हो रहा है, जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पार्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो पार्ट इस पे हम लोग को राइबोसोम देखने मिलता है, उस वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो पार्ट जहाँ पे हम लोग को कोई भी राइबोसोम देखने नहीं मिलता, उस पार्ट को हम लोग कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ पे राइबोसोम नहीं होता, एब्सेंस ऑफ राइबोसोम देखने मिलता है।
और वो जहां पर राइबोसोम नहीं होता वो पार्ट स्मूथ देखने मिलता है, इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के उस पार्ट को हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं या SER टर्म का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? SER टर्म का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, SER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए RER। फिर बात करते हैं, देखिए यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे इस पार्ट में राइबोसोम छोटा छोटा डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, वो राइबोसोम हो गया, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर राइबोसोम नहीं है तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जो कि ज़िगज़ैग मैनर में है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं स्ट्रक्चर को हम लोग? सिस्टर्नी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये क्या है? यहाँ पे जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है हम लोग को। ठीक है, यहाँ पर क्या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देने मिला, ट्यूब्यूल कहते हैं इस स्ट्रक्चर को। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तीन तरह का स्ट्रक्चर देखने मिलता है। तो एक स्ट्रक्चर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टर्नी, जो आपको मैंने अभी दिखाया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टर्नी। तो देर आर अनब्रांच स्ट्रक्चर, दीज आर अनब्रांच स्ट्रक्चर विच आर 400 टू 500 एंगस्ट्रम इन डायमीटर, द सरफेस एरिया ऑफ द सिस्टर्नी इज रफ बिकॉज राइबोसोम आर अटैच्ड ऑन द सरफेस 80 राइबोसोम। तो कह रहा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सिस्टर्नी वाला है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टर्नी, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो पार्ट है जो कि अनब्रांच्ड है, जिसमें कोई ब्रांचिंग देखने नहीं मिल रही, और इसका डायमीटर जो है 400 से 500 एंगस्ट्रम का है, और सरफेस एरिया जो है ऑफ सिस्टर्नी, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो पार्ट, जो सिस्टर्नी वाला पार्ट है, उसका सरफेस एरिया जो है वो क्या है? रफ है। और रफ क्यों है? मैंने आपको अभी बताया, क्योंकि तो वहाँ पर क्या हो रहा है, राइबोसोम पाया जा रहा है, जो राइबोसोम जो है 80S राइबोसोम है। ठीक है, फिर बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब्यूल्स, जो मैंने आपको अभी देखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब्यूल, जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है क्या होता है, वो ब्रांच स्ट्रक्चर है, ब्रांचिंग देखने मिलती है, और क्या हो रहा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ट्यूब्यूल्स वाला है उसमें ब्रांचिंग देखने मिल रही है, स्मूथ स्ट्रक्चर होता है जिसका डायमीटर 500 से लेकर के 1000 एंगस्ट्रम का है, और राइबोसोम आर नॉट अटैच्ड ऑन द सरफेस। और इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब्यूल्स वाला जो पार्ट है उसमें क्या हो रहा है, राइबोसोम जो है सरफेस पर अटैच नहीं है। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसाइकल्स की भी बात करते हैं। एंडोप्लाज्मिक वेसाइकल्स क्या होता है? दीज आर राउंडेड स्वेलन स्ट्रक्चर, द डायमीटर इज 250 टू 500 एंगस्ट्रम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होते हैं, कुछ थैलिया बाहर निकलती है, उसको कहते हैं हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसाइकल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जो है स्वेलन स्ट्रक्चर है, फूला हुआ स्ट्रक्चर है, जिसका डायमीटर जो है 250 एंगस्ट्रम से लेकर के 500 एंगस्ट्रम का है। ठीक है, All these three structure are surrounded by a single unit membrane which is angstrom thick. तो ये तीनों structure जो है endoplasmic reticulum, cisternae, tubules और vesicle, ये तीनों structure जो क्या होता है कि एक single membrane के अंदर pack होता है, और उस membrane का जो thickness है 50 angstrom thick है। कितना? 50 angstrom thick होता है। देखिए यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या देखने मिल रहा है हम लोग को, सिस्टर्नी देखने मिल रहा है, देख रहे हैं, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोग को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब्यूल्स देखने मिल रहा है। देखिए यहाँ पे आ रहा समझ में? डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, तो राइबोसोम के प्रेजेंस के हिसाब से अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग डिवाइड करें तो हम लोग को दो तरह का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने मिलेगा। एक होता है एक ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या कह सकते हैं ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके पास राइबोसोम देखने मिलते हैं। ठीक है, क्या होता है, जिससे राइबोसोम अटैच होता है, जिसके मेम्ब्रेन से राइबोसोम अटैच होता है, बस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके मेम्ब्रेन से राइबोसोम अटैच होता है वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द अटैचमेंट ऑफ द राइबोसोम
टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन इज ब्राउट अबाउट बाय अ प्रोटीन राइबोफोरिन राइबोफोरिन वन एंड टू। तो कह रहा है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या हो रहा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या हो रहा है कि राइबोसोम अटैच होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन से क्या हो रहा है कि राइबोसोम अटैच है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन से क्या है कि राइबोसोम अटैच है। तो ये अटैचमेंट जो है एक तरह के प्रोटीन की मदद से, वो प्रोटीन का नाम है राइबोफोरिन, जो कि जिसका टाइप है राइबोफोरिन वन एंड राइबोफोरिन टू। राइबोफोरिन प्रोटीन का टाइप भी होता है राइबोफोरिन वन और राइबोफोरिन टू, जिसकी मदद से राइबोसोम जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन से अटैच होता है। तो 2/3 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन द सेल इज रफ। तो क्या कह रहा है कि टोटल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बात करें हम लोग, तो टोटल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से 2/3 हिस्सा, 2/3 हिस्सा जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो रफ होता है, ठीक है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेड अप ऑफ सिस्टर्नी। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे बना है, सिस्टर्नी से बना, जैसा आपको मैंने दिखा दिया। फिर बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो इट हैज नो राइबोसोम अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन से कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं होता है, ठीक है। 1/3 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन सेल स्मूथ। तो टोटल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के में से एक तिहाई जो हिस्सा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो क्या है, वो है स्मूथ है, ठीक है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे बना है, ट्यूब्यूल से बना, जैसा आपको मैंने दिखाया ट्यूब्यूल से बना है। बोथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर इंटरकन्वर्टिबल। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों एक दूसरे में इंटरकन्वर्टिबल है, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चाहे तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कन्वर्ट हो सकता है और स्मूथ चाहे तो रफ में कन्वर्ट हो सकता है। द पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेयर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कन्वर्ट्स इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और वाइस वर्सा इज नोन एज ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो पार्ट जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कन्वर्ट हो सकता है या चाहे तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कन्वर्ट हो सकता है, उस पार्ट को हम लोग कहते हैं ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है। आज समझ में, तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तो लेक्चर नंबर 12 कंप्लीट हुआ और आपको लग रहा है कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ, आपको सब समझ में आ रहा है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि लगातार आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप ज़रूर से ज़रूर आप कामयाब होंगे नीट में भी, एम्स में भी और जिपमर में भी। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं लेक्चर नंबर 13 में। चार पाँच लेक्चर और लूँगा, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स।